हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं ये वाली टिकिया की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया। तो यहाँ पर मैंने ली है 4-ply की वाइट वाली धागा और हुक। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें चेन बनानी है। तो यहाँ पर मैं 8 चेन ले लूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, 8 चेन लेने के बाद इसे हमें ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए, इसे ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोचेट करते जाना है। ये जो चेन हमने बनाई है, इसकी पूरी राउंड पर हमें सिंगल क्रोचेट करनी है। तो देखिए, मैंने पूरी चेन पर सिंगल क्रोचेट कर लिया है। तो अब एक चेन लूँगी और इस सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमें डबल क्रोचेट करनी है। ये देखिए, इस तरीके से एक डबल क्रोचेट करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोचेट करेंगे। तो जो हम ये डबल क्रोचेट कर रहे हैं, ये हम 12 टाइम करेंगे, एक एक चेन लेते हुए बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 12 टाइम मैंने डबल क्रोचेट कर ली है। तो अब एक चेन लूँगी और एक चेन लेकर इसे मैं इस जगह क्रोचेट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्रोचेट करने के बाद यहाँ पर मैं एक चेन लूँगी और एक चेन लेने के बाद ये जो हमने डबल क्रोचेट की थी, इसकी पीछे से हमें इस तरीके से हुक को डालकर धागे को इस तरीके से लेकर एक डबल क्रोचेट कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। और अब जो ये चेन हमने ली थी एक, इस पर हमें 2 टाइम्स डबल क्रोचेट करनी है। ये देखिए, तो ये डबल क्रोचेट मैंने 2 टाइम्स कर ली है। तो अब फिर से जो डबल क्रोचेट आएगी, ये वाली, इसके पीछे से हमें फिर से हुक को इस तरीके से डालकर और धागे को लेकर क्रोचेट करना है। तो इसी तरीके से हमें ये राउंड बनानी है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने ये राउंड बना ली है। तो अब मैं इसे इस जगह पर क्रोचेट कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर इसे क्रोचेट कर लेना है। तो ये इस तरीके का दिखेगा। तो अब मैं यहाँ पर चेन लूँगी 3। तो देखिए, 3 चेन लेने के बाद ये जो डबल क्रोचेट हमने ली थी सबसे पहले, उसी के ऊपर फिर से हमने डबल क्रोचेट की थी। तो उसकी दूसरी साइड हमें इस तरीके से इसे क्रोचेट कर लेना है, जो हमने 3 चेन ली है उसे। तो ये देखिए इस तरीके से। और अब जो ये 3 चेन हमने ली है, तो ये इस तरीके की बनेगी। तो ये जो हमने सबसे पहले चेन बनाई थी और इसके ऊपर जो हमने ये 12 टाइम डबल क्रोचेट की थी, तो इसी की सीधी देखिए ऊपर जो हमने डबल क्रोचेट की थी, उसके ऊपर ये चेन हमें लेनी है। तो अब हमें सिंपल जो 2 डबल क्रोचेट की थी, उसके ऊपर हमें सिंगल क्रोचेट कर लेनी है इस तरीके से, देखिए। और अब जो ये वाली जो डबल क्रोचेट आई है, इसके ऊपर हमें फिर से 3 चेन लेनी है। ये देखिए, 3 चेन लेकर दूसरी साइड हमें इसे क्रोचेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और फिर से 2 डबल क्रोचेट जो आएगी, उसके ऊपर हमें सिंगल क्रोचेट कर लेना है। ये देखिए, ये 2 डबल क्रोचेट है जो, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोचेट कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद देखिए, ये फिर से ये वाली जो क्रोचेट है, इसके सीधे ऊपर हमें फिर से 3 चेन लेनी है। और 3 चेन लेकर जैसे हमने पहले की 2 बनाई थी, उसी तरीके से दूसरी साइड हमें इसे भी क्रोचेट कर लेना है। तो ये वाली राउंड हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाली राउंड मेरी बन गई है। तो ये देखिए, ये 12 टाइम बनी है जो चेन ली थी मैंने। और ये देखिए, ये डबल क्रोचेट के सीधे सीधे ही हमें बनानी है। तो अब जो ये हमने 3 चेन ली है, इसके अंदर हमें 6 टाइम डबल क्रोचेट करनी है।
ये देखिए इस तरीके से हमें 6 टाइम डबल क्रोचेट कर लेनी है इस चेन के अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 6 टाइम मैंने डबल क्रोचेट कर ली है। तो अब नेक्स्ट वाली जो चेन है उस पर हमें फिर से 6 टाइम डबल क्रोचेट करनी है। तो इन दोनों के बीच में मैंने चेन नहीं ली है, तो जो हमने 3 टाइम चेन ली थी उस पर हमें बस 6 टाइम डबल क्रोचेट करनी है और बीच में हमें कोई भी चेन नहीं लेनी है। तो ये वाली राउंड भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाली राउंड मैंने बना ली है, तो अब इसे मैं यहाँ पर क्रोचेट कर लूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चेन ले ली है। अब यहाँ से हमें 3 डबल क्रोचेट छोड़कर जो गैप आएगी उस पर हमें फिर से 6 टाइम डबल क्रोचेट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 6 टाइम डबल क्रोचेट कर ली है। तो यहाँ पर एक चेन लूँगी और इस जगह पर जहाँ पर हमने चेन नहीं ली थी उस जगह पर हम इसे क्रोचेट कर लेंगे, ये देखिए। और इसके बाद हमें एक चेन लेनी है और एक चेन लेने के बाद फिर से नेक्स्ट जो हमने 6 टाइम डबल क्रोचेट की थी वहाँ से 3 डबल क्रोचेट छोड़कर उसके बाद जो गैप आएगी उस गैप पर हमें 6 टाइम फिर से डबल क्रोचेट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरीके का दिखेगा। तो इसी तरीके से हमें ये पूरी राउंड बना लेनी है। तो यहाँ पर एक चेन लेकर इस जगह पर हमें डबल क्रोचेट करनी है, ये देखिए। और ये तो 6 टाइम रहेगी ही, तो इसे इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाली राउंड भी मेरी बन गई है। तो अब एक चेन लेने के बाद मैं इसके नीचे देखिए यहाँ पर इसे क्रोचेट कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्रोचेट कर ली है। अब धागे को कट कर लूँगी और इसे खींच लूँगी। तो देखिए ये है हमारा टिकिया। तो ये देखिए ये मैंने पिंक कलर में बनाया था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।